गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 के अंदर मैथ्स में सेकंड नंबर का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पॉलीनोमियल। और इसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉलीनोमियल क्या है वो एक्सप्लेन किया था, पहले पॉलीनोमियल कितने टाइप की होती है वो एक्सप्लेन किया था। सेकंड वीडियो के अंदर जो सेकंड नंबर का वीडियो था उसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होती है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन किया था। आज हम क्यूबिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यूबिक पॉलीनोमियल हो या बाय क्यूबिक हो या क्विंटिक पॉलीनोमियल हो, मतलब कोई भी पावर वाली पॉलीनोमियल होती है उसको कैसे फैक्टराइज करना वो एक्सप्लेन करता हूं। वैसे स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी पॉलीनोमियल चल रहा है अभी, और स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी यही टॉपिक चल रहा है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं देखिए। जैसे यहां पर एक पॉलीनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7x 6x या 7x भी लेंगे तो भी चलेगा माइनस 13 एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 13 ये एक पॉलीनोमियल है। इस पॉलीनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज क्यों करना है कि क्योंकि आगे जाके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होती है उसके जीरो फाइंड करने के आएंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करने का आएगा, या तो फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ होगा और आपको ग्राफ के ऊपर से डिसाइड करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। ग्राफ के ऊपर से भी आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर ग्राफ ड्रॉ किए हुए है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, और उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है ग्राफ देख के कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं और उसके बाद जीरो भी कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी थियरी खत्म हो जाएगी ये फैक्टराइज करने वाले, मतलब फैक्टराइज करने के जितने भी मेथड है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्यूबिक पॉलीनोमियल है, अगर इतना होता क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को तो कैसे फैक्टराइज करना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल के अंदर उसको फैक्टराइज करने के लिए तीन मेथड है, तीन मेथड में आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, लेकिन शायद आप भूल गए हैं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर जब भी आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना है, क्यूबिक हो या बाई क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो या क्विंटिक हो, मतलब कोई भी पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले उसका 1 0 पता होना चाहिए, 1 उसका फैक्टर पता होना चाहिए कि उसका 1 फैक्टर कौन सा है। उसका अगर एक फैक्टर आपको पता चल जाए, जैसे ये 24 है और 24 का एक फैक्टर आपको पता है 3, अगर एक फैक्टर आपको पता चल जाए तो दूसरा फैक्टर तो मिल जाएगा। ऐसे आप करोगे तो आपको उसका दूसरा फैक्टर भी मिल गया, मतलब 24 का अगर आपको कोई भी 1 फैक्टर पता है तो दूसरा फैक्टर भी मिल जाता है, लेकिन एक फैक्टर तो पता होना चाहिए। अब वो एक फैक्टर कैसे ढूंढना हो देखिए, तो कोई भी पॉलीनोमियल होती है उसके कोएफिशिएंट के जीरो, कोएफिशिएंट का टोटल करने का हमें, तो यहां पर 1 इसका कोएफिशिएंट कौन सा है 1, यहां 5 या 7 या -13, कोएफिशिएंट का टोटल कीजिए 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 13 कितना हो गया 0। अगर कोएफिशिएंट का टोटल 0 होता है तो फिर उसका 1 फैक्टर होगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ऐसा हम स्टैंडर्ड 9 के अंदर लिखते थे आपको बताया। तो इसका 1 फैक्टर पता चल गया, अगर उसका 1 फैक्टर पता चल गया तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट वाली मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिए। तो पॉलीनोमियल को सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब, यहां 5x² प्लस 7x माइनस 13, इतना लिख दिया। अब देखिए उसका 1 फैक्टर यहां माइनस x माइनस 1 है, तो अगर यहां माइनस होता है तो माइनस का मतलब है हर बार आपको साइन चेंज करना है, अगर वो प्लस होता तो प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं करना है और हर नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करने का, लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो तो वही का वही आंसर आता है। इसीलिए हमें यहां याद रखना है कि माइनस की साइन होती है तो हर बार साइन चेंज करनी है। तो देखिए फर्स्ट वाला एक्स क्यूब, यहां प्लस है तो यहां पे साइन हमें चेंज करनी है, तो यहां लिखेंगे माइनस, ये एक्स है
तो एक्स लिखेंगे लेकिन पावर एक कम लिखेंगे, यहां जो पावर है उससे कम पावर लिखेंगे। चलो इतना लिख दिया, अब को ऊपर देखना है, हमें क्या चाहिए यहां पे ऊपर देखिए, फाइव एक्स स्क्वायर चाहिए। तो फाइव एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक करना पड़ेगा। तो जो सब्ट्रैक करना पड़ता है सब्ट्रैक करो, ऐड करना पड़ता है तो ऐड करिए, लेकिन जो भी सिंप्लीफिकेशन है ऊपर जितना होना चाहिए। तो मैं फाइव एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या ऐड कर दू, सिक्स एक्स स्क्वायर ऐड कर दू। सिक्स एक्स स्क्वायर के अंदर से वन एक्स स्क्वायर चले गए तो कितना रहे, फाइव एक्स स्क्वायर। चलो इन दोनों का हिसाब ऊपर जितना हो गया तभी आपको आगे चलना है, बाकी नहीं चलना है। तो देख लीजिए इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना हो गया, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ सिक्स तो यहाँ पर भी सिक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ पर भी एक्स, लेकिन पावर कैसी लिखनी है, एक कम लिखनी है। यहाँ प्लस था तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमें साइन भी चेंज करनी है। अब ये एक्स वाला टर्म आ गया, तो आपको ऊपर एक्स वाला टर्म देखना है कि हमें क्या लाना था, प्लस सेवन एक्स लाना था, यहाँ पे गलती से क्या आ गया, माइनस सिक्स एक्स। तो 7x लाने के लिए क्या ऐड करना है हमें, 13x। तो 13x हम ऐड करेंगे, 13x ऐड करेंगे तो 13x के अंदर से 6x चला गया, तो कितना हो गया ऊपर 7x मिल गया आपको। अगर वो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन ऊपर जितना हो जाए तभी आपको सही मानना है, और सही अगर हो गया तो ही आगे बढ़ना है। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये 13 तो यहाँ 13, ऊपर वाला टर्म मिल गया तो फिर बात वहां पे हो गई खत्म। अब ऐसे पेयर बनाइए, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमा निकालेंगे तो क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वन, उसका जो वन फैक्टर था ना वो मिल गया। यहां से सिक्स एक्स कॉमा निकलेगा तो एक्स माइनस वन, यहां से 13 तो एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन को भी कॉमा निकाल दो, एक्स माइनस वन को कॉमा निकालेंगे तो एक्स माइनस वन, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 13। चलो ये फैक्टराइज हो गया, इस मेथड का नाम क्या है, फैक्टर थ्योरम, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक्सप्लेन की थी। अब देखिए दूसरी जो मेथड है उसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन सबको इजी लगती है, वो देखिए सिंथेटिक डिवीजन से कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहला काम, उसका जो वन फैक्टर था उसके आगे हमें रखना है जीरो, तो फिर एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। उसके वन फैक्टर के आगे आपने जीरो रख दिया तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन। अब परपेंडिकुलर दोनों लाइन, दो लाइन ड्रॉ करनी है, यहां जो वन आ गए वहां इसको बाहर लिखना है, और उसके सारे कोएफिशिएंट, पॉलीनोमियल के सारे कोएफिशिएंट लिख दो, वन यहां फाइव यहां सेवन और माइनस 13। वन दिख रहा है, फाइव है, सेवन है और माइनस 13। यहां जीरो से आपको स्टार्ट करना है, इन दोनों का एडिशन करेंगे और यहां पे मल्टीप्लिकेशन, यहां आंसर जो आता है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन। वन प्लस जीरो कितना होता है, वन, वन वन जा कितना होता है, वन, यहां एडिशन होगा, फाइव प्लस वन होगा सिक्स, यहां मल्टीप्लिकेशन होगा, सिक्स वन जा सिक्स, सेवन प्लस सिक्स कितना हो गया, थर्टीन, थर्टीन वन जा कितना हो गया, थर्टीन, यहाँ माइनस 13 और प्लस 13 जीरो। तो इसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं कि रिमाइंडर आ गई, रिमाइंडर क्या आ गई, जीरो। अब देखिए आपको यहां से उल्टा जाने का है, ये कॉन्स्टेंट टर्म समझना है, ये एक्स वाला टर्म समझना है, और इसको समझना है हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो इसका वन फैक्टर था वो तो लिख दीजिए, ये आपका कोसेंट मिल गया, ये आपका आंसर मिल गया, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 13। इससे उल्टा जाना है आपको, ये कॉन्स्टेंट टर्म, ये एक्स वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, अगर आगे कोई होता तो एक्स क्यूब वाला, एक्स रेज़ टू 4 वाला, ऐसे लिखते लिखते जाना है। अब देखिए ये आपका जो वन फैक्टर था वो तो यहाँ एज इट इज रखिए, और यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 13। तो यहां पर भी वही आंसर आ गया है पहले जो आता था वो। इस मेथड का नाम क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। अब जो लास्ट वाली है उसका नाम है सिंपल डिवीजन, वो आपको अच्छी तरह से आती है क्योंकि स्टैंडर्ड 8 में भी आती थी और स्टैंडर्ड 9 में भी, सिंपल डिवीजन। और वैसे तो मैंने तो आपको तीन मेथड एक्सप्लेन की हुई है स्टैंडर्ड 9 में ही। सिंपल डिवीजन देखिए, सिंपल डिवीजन के अंदर उसका जो वन फैक्टर है उसको बाहर रखेंगे और जो पॉलिनोमियल है उसको अंदर,
फिर डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थर्टीन। यहां आपको क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब है तो उसके जैसा ही टर्म आपको उसके नीचे लाना है, तो एक्स क्यूब है तो हमें उसके नीचे एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स क्यूब यहां लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, यह होगा एक्स स्क्वायर, तो यहां माइनस यहां प्लस हो गया, ये तो कट हो गया, साइन हमें चेंज कर देनी है, यहां माइनस है तो यहां प्लस फाइव एक्स स्क्वायर। अब ये साइन को कंसिडर नहीं करना, ये नई साइन है वही उसकी साइन समझनी है, तो दोनों की साइन एक जैसी होती है तो एडिशन होगा, फाइव एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर कितना होगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर से हम लाएंगे क्या सेवन एक्स। अब देखिए यहां आपको सिक्स एक्स स्क्वायर लाना है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स एक्स स्क्वायर, यहां कितना होगा माइनस सिक्स एक्स, इतना हो जाए उसके बाद साइन चेंज करनी है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये कट हो गए ऑपोजिट, इन दोनों की साइन एक जैसी है, एक जैसी साइन है तो एडिशन करना है, सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्स हो गया थर्टीन एक्स, और ऊपर से अप्लाई थर्टीन माइनस थर्टीन। अब यहां पर आपको क्या लाना है, थर्टीन एक्स लाना है, थर्टीन एक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे थर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख दिया हमने प्लस थर्टीन, मल्टीप्लाई किया थर्टीन एक्स माइनस थर्टीन, या माइनस या प्लस, ये हो गया जीरो। तो देख लीजिए ये रिमाइंडर जीरो आ गई, यहां पर भी रिमाइंडर जीरो आ गई, यहां पर भी लास्ट टर्म अगर वही का वही मिलता है तो हमें क्या समझना है, रिमाइंडर जीरो समझनी है। तो ये आपको पता है कि ये डिविडेंड कैसे बनता है, प्रोडक्ट ऑफ डिविजन एंड कोसेंट से बनता है, तो फिर ये बनेगा किसके, इस आंसर कैसे बनेगा उसका, इन दोनों की प्रोडक्ट से। तो हम आंसर नीचे लिखेंगे एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस कितना आएगा थर्टीन। अब देखिए पहले भी वही आंसर आया, यहां पर भी वही आंसर, यहां पर भी वही आंसर, सिर्फ क्या फर्क है उसके अंदर, मेथड का फर्क है, इस मेथड का नाम है फैक्टर थ्योरम। यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसको भी इस मेथड से, अगर उसका वन फैक्टर ऐसा मिलता है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, तो उसको भी आप उस मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को भी, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए तो शॉर्टकट मेथड है तो इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कर सकते हैं इस मेथड से भी, डिवाइड कर सकते हैं और फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये क्यूबिक थी, अगर वो उसके ऊपर फोर पावर होती मतलब बाई क्यूबिक, या उसको आप बोलते क्वाड्रिक, क्वाड्रिक हो या क्विंटिक हो, उसको भी इस मेथड से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये थी सिंथेटिक डिविजन और ये है सिंपल डिविजन। लिख दीजिए ये क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके फैक्टराइज करने का या डिवाइड करने का डिवीजन करने का आएगा, रिमाइंडर ढूंढने का भी आएगा कि रिमाइंडर कैसे ढूंढते हैं और जीरो कैसे ढूंढते हैं, वो ढूंढने का आएगा फाइंड करने का, इसीलिए ये पहले से आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिख दीजिए